Hello and welcome to Incredible Abhishek. So, we are continuing with our Polity Lecture Series, and in this class, we are going to start a topic that is fundamental duties. This is going to be a short video because this particular chapter, there are few, this is a very important chapter from the exam point of view, no doubts, but this is a very small chapter.

ड्यूटी एक ऑब्लिगेशन है किसी चीज को करने की और किसी चीज को ना करने की या तो किसी चीज को करने की ऑब्लिगेशन या किसी चीज को ना करने की ऑब्लिगेशन एक ड्यूटी होती है ठीक है अब हमें जो समझना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात करी फंडामेंटल राइट्स की फिर हमने बात करी अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की तो ये जो राइट हैं और ड्यूटीज हैं ये दोनों एक ही कॉइन के दो साइड हैं दे आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन कहने का क्या मतलब है ये समझते हैं देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक राइट right है मेरे पास एक राइट right है कि मैं फॉर इंस्टेंस मुझे राइट है राइट टू लिव अगर मेरे पास ये राइट है कि मेरे पास हक है जीने का तो जब मैं ये राइट दे रहा हूं किसी को कि आपके पास जीने का राइट है तो यानी उसी पर्सन के पास उस सेम पर्सन के पास जिसके जिस पास जीने का राइट है उसी के ऊपर एक ऑटोमेटिकली ड्यूटी आ गई कि आप दूसरों को जीने दो कहने का मतलब अगर आपके पास जीने का हक है तो साथ ही साथ आपकी ड्यूटी है कि आप दूसरों को जीने दो तो राइट और ड्यूटीज में यह बड़ा इंट्रिकेट सा एक रिलेशन है गांधी जी कहा करते थे द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी If we all discharge our duties, rights will not be far to seek. कहते थे कि अगर हम सब कोई मिलके अपनी duties अच्छे से perform करें तो rights जो है ना वो सब के पास होंगे वो सब को मिल जाएंगे वो सब के rights realize होंगे यही चीज समझो अगर हम सब अपनी duty कि दूसरों को जीने दो अगर हम ये follow करेंगे कि दूसरे लोग जीए तो उससे क्या होगा सब जी पाएंगे सबके पास राइट टू लाइफ आ जाएगा तो गांधी जी वही कहते थे कि अगर हम अपनी ड्यूटी सारे लोग मिलकर अच्छे से करें तो हम सबके पास जो राइट्स हैं वो अच्छे से रियलाइज हो पाएंगे ठीक है तो ये बात होती है ड्यूटीज की अब आता है हमारा संविधान तो हमारे संविधान में क्या होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कोई अलग से पार्ट या चैप्टर नहीं था हमने फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से सबसे फेमस अमेंडमेंट एक्ट हम हर क्लास में बात कर ही लेते हैं फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा है ठीक है जो ये कंसेप्ट है ना कि देश की जो संविधान है उस संविधान में लिखा हुआ होगा कि सिटीजनस के पास क्या-क्या ड्यूटीज -क्या हैं क्या-क्या ऑब्लिगेशन हैं ये जो कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी है ये आया है यूएसएसआर से अर्स्टवाइल यूएसएसआर से जो सोवियत संघ था और इंडियन फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भी यूएसएसआर से लिए गई हैं और हमने जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड करा तो उससे पहले उस टाइम की सरकार ने ऑनरेबल श्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसको कमेटी उस टाइम के कैबिनेट मिनिस्टर स्वरण सिंह जी ने हेड करी थी स्वरण सिंह कमिटी हम बोलते हैं उसको तो उन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ये 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 चीजें होनी चाहिए आप इन चीजों को ऐड कर दो और फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाए देखो एक्चुअली हुआ क्या था कि इस अमेंडमेंट से पहले इंडिया में एक इंटरनल इमरजेंसी लगी थी है ना उसके कुछ पोलिटिकल रीजनस थे हम उसमें अभी नहीं जाएंगे उस इमरजेंसी के टाइम पे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें यह कारण बताया गया है कि उस इमरजेंसी के टाइम पे बहुत से ऐसे लोगों के बिहेवियर देखे गए थे जो ये रियलाइज कराते हैं कि लोगों को अपनी ड्यूटीज का पता नहीं है लोगों को राइट्स तो इंजॉय करने में बहुत मजा आता है अपने लेकिन वो ड्यूटीज का पता नहीं है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए यह है कि जो राइट right होता है ना जो राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल के होते हैं लेकिन जो ड्यूटीज हैं जो ड्यूटीज होते हैं वो पूरे समाज के लिए होते हैं आप अगर ये ड्यूटी फॉलो कर रहे हो कि आप सबको अच्छे से रहने दोगे तो सारे पूरा समाज अच्छे से रहेगा आपकी वजह से लेकिन आपका अच्छे से रहना सिर्फ आपका एक इंडिविजुअल राइट right है तो ये एक बहुत चीज थी जो हमें दिखी तो उसके बाद स्वरंग सिंह स्वरंग सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया ठीक अब हम ये हैं हमारे देश के फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में यही हमें पढ़ने हैं बस ठीक है और कुछ नहीं है इसमें और आपको मैं अभी बता तो दूंगा सब बता दूंगा रिलेट भी करा दूंगा बट आपको अल्टीमेटली इनको याद ही करना पड़ेगा ठीक है बट एक चीज और समझो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के हम अलग अलग पार्ट्स पढ़ रहे हैं तो हमने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर सब पढ़ लिया जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना वो पार्ट फोर ए में है अब मैंने तो आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज इंटरलिंक्ड होते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज आर द सेम साइड ऑफ सेम कॉइन बट इसको हमने फोर ए में क्यों डाला है हमने इसको डीपीएसपी के साथ क्यों डाला है तो हमने इसको डीपीएसपी के साथ इसलिए डाला है क्योंकि इसका जो जो स्टेटस है ना इंडिया में फंडामेंटल right मतलब सरकार को क्या पनिशमेंट मिलती थी कोर्ट से नहीं मिलती थी सिमिलरली अगर सिटीजन ड्यूटीज फॉलो नहीं करे तो उसको भी पनिशमेंट डायरेक्टली नहीं मिलता तो इसलिए हमने इसको पार्ट फोर एस में रखा है हम इसके स्टेटस के हिसाब से इसको रख रहे हैं ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे देश में ये है फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमारा सबसे पहला है ए बोलते हैं उसको जिसमें एक ही आर्टिकल आता है हमारे इस पार्ट फोर ए में जिसका नाम है आर्टिकल फिफ्टी वन ए उस फिफ्टी वन ए आर्टिकल में हमारे ए टू के यानी ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमने फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से ही डाल दिया था और ग्यारहवा हमने बाद में एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट से डाला है ठीक है तो ए टू के है सबसे पहला क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का सबको अबाइड और रिस्पेक्ट करना है दूसरा क्या है इसी के बेसिस पे देश में फ्लैग कोड भी है नेशनल ऑनर्स एक्ट भी है कि जो जो देश के ऑनर्स हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करना है फिर दूसरा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो बोलता है कि आपको नेशनल आइडियल्स जो हैं उनको फॉलो करना है और चेरिश करना है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे नॉन वायलेंस का आइडिया था इस तरीके जो ट्रूथ का आइडिया है इन सब जो नेशनल आइडियल्स हैं इसको आपको फॉलो और चेरिश करना है देश की सॉवरानिटी यूनिटी इंटेग्रिटी इन सब चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करना है अपहोल्ड करना है आप देश को डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे कभी भी आपको बुलाया जाए तो वॉर में यूज़ किया था था हमने को बोला था कि आप सपोर्ट करें डिफेंड करने में कंट्री को लोगों ने एज अ ड्यूटी लिया था उसको और करा था फिर आता है हारमनी और ब्रदरहुड का स्पिरिट को प्रमोट करना कि देश में आपका ये ड्यूटी है कि आप भाईचारे का माहौल बना के रखेंगे आपका ये ड्यूटी है कि आप प्रिजर्व करेंगे इस देश की रिच हेरिटेज को कोई मॉन्यूमेंट है या कोई भी हेरिटेज है इस देश की आप उसको वैल्यू करेंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे ये आपकी ड्यूटी बनती है तो लोग जा करके मॉन्यूमेंट्स पे और इन सब चीजों पे गंदगी फैलाते हैं ये करते हैं ये उनकी ड्यूटी का नॉन अध्यंस है ये नहीं फॉलो कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज उसी तरह से नेचुरल इन्वामेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है आप अगर पोल्यूशन कर रहे हो ओपन में डेफिकेशन कर रहे हो गार्बेज फैला रहे हो तो ये सब आपकी ड्यूटीज के अगेंस्ट है संविधान आपको ये ड्यूटी देती है सिमिलरली आपको साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है कहने का मतलब हुआ कि आपको साइंटिफिक लॉजिक डेवलप करना है आप अंधविश्वास डेवलप नहीं करोगे और फैलाओगे नहीं आप साइंटिफिक बातें करोगे सिमिलरली आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है आपको वायलेंस छोड़ना है आप एक चीज समझो जैसे राइट्स और ड्यूटीज की हमने बात करी कि वो लिंक्ड हैं अगर आप वायलेंस छोड़ोगे तभी तो सामने वाला इंसान पीसफुल रहेगा उसका राइट पीसफुल राइट जो है वो तभी मिल पाएगा जब आप वायलेंस छोड़ोगे तो वायलेंस छोड़ना आपकी ड्यूटी है और उसका रिटर्न उसको मिल रहा है कि सामने वाले सोसाइटी को लोगों को पीस मिल रहा है फिर है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस हमेशा किसी भी काम में किसी भी चीज को आप कर रहे हो उसको एक्सेलेंट तरीके से करने की कोशिश करनी है क्योंकि इससे सिर्फ आपका नाम नहीं इस देश का भी नाम होता है राइट right? कोविड में वैक्सीनेशन की आप बात करते हो तो आप सोचो जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे दे वर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एंड दैट इज जब इंडिया ने कोविड बनाया इतने मास में वैक्सीनेशन किया दो दुनिया को दिया तो पता चला कि अच्छा हाँ देश का भी नाम हुआ उन साइंटिस्ट के काम से तो जब आप ड्यूटी फॉलो करोगे तो देश का भी नाम होगा और उसके बाद ये वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमने एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था आप बताओ तो हमने एटी सिक्स से और क्या ऐड किया था हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में उसी से हमने ऐड किया कि आप अपॉर्चुनिटी दोगे बच्चों को पढ़ने की अब समझो बात फिर से राइट्स में मैं बताया देता हूं 86 से हमने आर्टिकल 21 ए ऐड किया था राइट टू एजुकेशन वाला और फिर आर्टिकल 45 में भी कुछ चेंजेस किए थे डीपीएसपी में 86th अमेंडमेंट कहता है कि अगर आपके 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ यह आपकी ड्यूटी है और उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए एक राइट है आर्टिकल ट्वेंटी वन में जो ये आपको हक देता है कि आर्टिकल छह से चौदह के साल के बच्चे फ्री और कंपलसरीली पढ़ेंगे तो पेरेंट की ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों जो छह से चौदह साल के हैं उनको पढ़ाओ सरकार की ड्यूटी है कि वो इस छह से चौदह साल के बच्चों को फ्री में पढ़ाएगी और सरकार की जो ड्यूटी है वो आपका राइट है ठीक है रिलेशन अच्छे से स्टैब्लिश है तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है आपको इसको याद ही करना पड़ेगा याद कर लो अच्छा रहेगा बहुत जगह ये यूज करने में रेफरेंस देने में आंसर्स में में कंक्लूजन वगैरह लिखने बहुत काम आता है तो ये कर लो आप कुछ फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स के उन राइट्स के फीचर्स को हम थोड़ा जान लेते हैं सबसे पहला फीचर ये आता है कि कुछ कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं और कुछ कुछ सिविक ड्यूटीज हैं मॉरल ड्यूटीज मतलब आप अपने देश के फ्लैग को अपने देश के नोबल आइडियाज को आप हमेशा प्रोटेक्ट करोगे चेरिश करोगे फॉलो करोगे ये मॉरली करेक्ट बातें हैं मॉरल सही है इसके पीछे कि आपको ब्रदरहुड की स्पिरिट बढ़ानी है आपको हार्मनी रखना है मॉरल बातें हैं, सिविक बातें हैं जो डे टू डे लाइफ की बातें हैं आम जीवन की बात है जैसे कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है आपको आपके देश की हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है ये सिविक ड्यूटीज हैं तो ये भी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में है। कुछ जो है आपके इंडियन ट्रेडिशन से आती हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ब्रदरहुड फैलाना हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना ये सब आपके ट्रेडिशन से आती हैं माइथोलॉजी से आती हैं आप वायलेंस नहीं करोगे नॉन वायलेंस आपके ट्रेडिशन से आती हैं रिलीजन प्रैक्टिस इन सब चीजों से भी आती हैं तो इसका बहुत वेरिड सोर्स है आप कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनका बहुत वेरिड सोर्स है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना उसमें हमने बात करी थी कि मेजोरिटी ऑफ द राइट्स तो सबके लिए अवेलेबल है सिर्फ फिफ्टीन सिक्सटीन 19, 29 और 30 ऐसे राइट्स हैं पांच जो ओनली सिटीजन के लिए हैं बाकी सारे राइट्स जो हैं वो सबके लिए हैं लेकिन ड्यूटीज जो है ना वो सारी की सारी ए टू के वो सिटीजन ओनली वो सिर्फ सिटीजन के लिए हैं ठीक है ये ड्यूटी सिर्फ सिटीजन से एक्सपेक्ट की जाती है उसके बाद ये भी नॉन जस्टिसबल है हमने देख लिया पार्ट फोर ए में इसीलिए है नॉन जस्टिसबल है अगर कोई बंदा नहीं फॉलो करता है ड्यूटीज तो वो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकता मतलब वो उस पर पनिशमेंट नहीं लिया जा सकता They are non -justiciable. दे आर नॉन जस्टिसबल इन प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए कुछ चीजें हैं जैसे कि अब हमारे ऐसे तो नॉन जस्टिसबल है ये ऐसे जो हैं, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नॉन हैं, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया है कि कुछ कुछ एक्ट्स में कुछ पनिशमेंट दी जाए तो डायरेक्ट तरीके से जस्टिसिएबल ना हो लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जस्टिसिएबल हो जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अब आपको हमने बोला नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करो आप डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं करोगे तब तो पनिशमेंट नहीं है लेकिन एक हमने एक्ट बनाया हुआ है 1972 में इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिसको ब्रीच करने पे पनिशमेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट यही मैंने बताया अभी आपको पहले इसमें है कि आप अगर आप फ्लैग की कॉन्स्टिट्यूशन की नेशनल एंथम की इंसल्ट करते हो तो कुछ पनिशमेंट है ये भी एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी को इनफोर्स कर रहा है ठीक है तो फंडामेंटल ड्यूटी की ये छोटी छोटी सी बात है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है करने का इसीलिए बहुत जल्दी से हम इसको एक छोटे से वीडियो में कवर कर रहे हैं तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है आपको याद जरूर होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक है duties, अब हम कुछ चीज़ और देख लेते हैं इसके बारे में कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जा रहा था जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो ओरिजिनली नहीं था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया तो हमने देखा स्वर्ण सिंह कमेटी बनी तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ और भी प्रोविजंस दिए थे जैसे दो बातें मैं बताता हूं स्वर्ण सिंह कमेटी ने ना ये सारे राइट्स तो दिए ही थे इसके अलावा दो और चीजों की बात करी थी पहली बात थी इन्होंने बोला था कि आपकी ड्यूटी है टैक्स पे करना ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाऊ लेकिन इसको हमने नहीं एड किया अब गवर्नमेंट को जो भी उस समय रीजन लगा हो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट में इसको नहीं ऐड किया लेकिन कमेटी के रिकमेंडेशन में ये भी था दूसरा एक और था स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि इसको जस्टिसिएबल बनाओ अगर लोग अपनी ड्यूटीज़ नहीं फॉलो करते हैं तो उनको पनिशमेंट दो ऐसा नहीं किया हमने हमने इसको नॉन जस्टिसबल बनाया और पार्ट फोर ए में ऐड किया तो ये कुछ दो वैल्यू एडिशन बातें थी या आप समझ गए ठीक है अब एक और छोटी सी चीज आती है वो भी समझ लो जल्दी से दो मिनट में और फिर इस क्लास को एंड ही करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास से फ्रेश हम स्टार्ट करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे फिर हम डिटेल से आगे बढ़ेंगे है ना एक छोटी चीज थी कि हमने जब नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स में फंडामेंटल ड्यूटीज को एड कर दिया बहुत अच्छी बात है फिर हमने देखा कि एक हम कमेटी बनाते हैं और देखते हैं कि ये जो कमेटी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इनका रोल सही से अदा हो रहा है नहीं इसकी वजह से कुछ इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये सब चीजें करो तो उसके लिए एक कमिटी बनी थी जिसका नाम है वर्मा कमेटी ये एक चीज है जो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक कमिटी बनाई गई थी 1999 में यानी लगभग कितने साल बाद बीस तीन उनतीस साल के बाद उस राइट वो जो कमिटी बनाई गई थी उस कमेटी का काम था ये देखना कि फंडामेंटल राइट जो है वो किस वो उनका फंक्शनिंग कैसा है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं जो हमारा उनका इंटेंशन था वो इंटेंशन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है मेन तो चीज इस पूरे चैप्टर के बारे में इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है सबसे मेन चीज जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखना उनको याद रखने का काम मैं होप करता हूं कि आप उसको कर लेंगे अच्छे से और तो इसीलिए इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है तो इसीलिए एक छोटे से वीडियो में इसको कवर कर लिया ये एक चार्ट में है इससे रिवाइज करना आसान हो जाएगा बहुत तरीके हैं न्यूमोनिक्स बना के करना कि आप किसी तरह से कर लो ए से एंथम बी से बापूजी बापूजी मतलब गांधी जी नेशनल आइडियाज सी से, से सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सॉवरानिटी यूनिटी इंटेग्रिटी का काम होता है डी से डिफेंड फिर उसके बाद ई e से इक्वालिटी यानी ब्रदरहुड हारमोनी एफ से फोर्ट fort, फोर्ट्स होते हैं ना फोर्ट्स तो कल्चरल हेरिटेज याद आ जाता है जी से ग्रीन ग्रीन से इन्वायमेंट याद आ जाता है तो एच से ह्यूमनिज्म याद आ जाता है तो इस तरीके से आप कुछ कुछ बना करके अब देखो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया इसी तरीके से सीक्वेंस भी याद हो जाएगा कि ए में ये है बी में ये है तो ऐसे कर लेना और बाकी तीन के भी कुछ बना लेना ऐसा कुछ है नहीं बट हाँ अल्टीमेटली तो याद ही करना है और याद करने के बाद ट्राई करना इनको रिलेट करने का चीज़ों से कुछ भी ऐसा अगर देखो कोई कंट्री में कोई चीज़ हो रही हो तो उसको करो अब जैसे कि हमने जी ट्वेंटी करा जी ट्वेंटी में हमने वसुधैव कुटुंबकम को डाला उसका लोगो तो हमने कहीं ना कहीं से हमारा जो रिच हेरिटेज है हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो ये भी तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है ना अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं हम साइंटिफिक टेम्पर की बातें कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर कभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करनी हो 2020 तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी तो है कि साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना है करेक्ट तो ये सब चीजें हैं और यही है फंडामेंटल ड्यूटीज में तो बस इसको इतने पे ही खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास से हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव शुरू करेंगे जिसका पहला पार्ट है प्रेसिडेंट तो हम प्रेसिडेंट करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच